अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। मैं फिरोज मेमन, दवाई जी, आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी शांतिनगर पाइपलाइन के पास में। शांतिनगर से आगे एक न्यू आजाद नगर पहाड़ी का इलाका है, और पहाड़ी उतर के जब हम आते हैं तो यहाँ पे पाइपलाइन है, जो BMC की पाइपलाइन बोली जाती है। तो यहाँ से कुछ आज एक पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस स्लम एरिया में किया जाना था, जिसकी ओपनिंग के लिए, जिसके इनॉग्रेशन के लिए भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख खुद आए हैं यहाँ पे, और उनका आप देख सकते हैं कि कितना जोरों शोरों से सत्कार हुआ। मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फिलहाल रईस भाई इधर खड़े ही है, और इस भीड़ में जो है वो पूरी पहाड़ी को उतर के यहाँ पे आए हैं टैब को ओपन करने के लिए। यहाँ से पूरे स्लम एरिया, मतलब जितना शांतिनगर का स्लम है, तो वहाँ पे पानी जो है पहले बहुत कम प्रेशर में आता था, अब 150 mm का अलग से पाइप डाल के जो है प्रेशर को बढ़ाया गया है। तो तकरीबन 3 MLD पानी जो है यहाँ पे डेली का इस एरिया में मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी हम कहेंगे सौगात है इस एरिया वालों के लिए MLA रईस शेख द्वारा। और साथ ही साथ में यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, साजिद अंसारी है, नासिर खान है, जावेद खान है, तो इनकी भी इसके अंदर उतनी ही मदद रही इस पानी को, इस टैप को ओपन यहाँ तक लाने के लिए। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम लोगों को जरिया बनाया, साजिद भाई को, जावेद भाई को, नासिर भाई को, कि आज हम इस लायक हुए कि हम मोहल्ले की माँ बहनों की परेशानी दूर कर पा रहे हैं। और मैं BMC का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ पर मैं 10 साल नगर सेवक रहा हूँ, कि थोड़ा मेरा लिहाज करके जो है यहाँ पर पानी बढ़ाया गया। लेकिन हम लोग इससे खुश नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे बाजू में पाइप है वो BMC ज़मीन के अंदर डाल दे, यहाँ से रोड बनाए, ताकि मेरे शांतिनगर डोंगर के जितने लोग हैं वो मेन रोड पे आसानी से जा सके। नहीं देखिए, आप ये पाइपलाइन देख रहे हैं ना, ये BMC की पाइपलाइन है सर, और यहाँ से अभी हमने कनेक्शन लिया है। मैं BMC का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे कार्यकाल में लगभग 4 से 4.5 MLD पानी जो है अलग अलग जरिए से BMC ये डोंगर इलाके को दे रही है। पानी का बहुत बड़ा मसला है, खवातीनों के पास पानी के जराए नहीं है यहाँ पर, और ये बिल्कुल भिवंडी के आज एकदम बॉर्डर पे आप खड़े, तो ये डोंगर इलाके में पहले 2 MLD पानी आया, फिर बाद में अभी जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, प्रेशर का प्रॉब्लम था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ पानी की सुन रहे हैं आप, घर घर में पानी आ रहा है, तो ये मसला था। आज BMC के जरिए काम वाम हो गया था, आज वो वॉल खोल दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह सबके यहाँ पानी आ रहा है। किस किस एरिया में, मतलब अगर हम लोग एरिया तो देखेंगे तो क्या आप लोगों को इन लोगों की जावेद ही समझाएंगे, जैसे भी समझाएंगे। ये जो पानी का पहले 20 साल पहले एक टैपिंग हुई थी 40 mm की, तो 20 साल से आबादी बढ़ी, पानी बढ़ा नहीं, पानी का दिन पे दिन कम होते गया और आबादी बढ़ते गई। ये एरिया में कोई देख नहीं था, भाई ने अपनी पावर पे अपने उसमें इधर 50 mm का टैपिंग कराया, ये 50 mm और 40 mm दोनों मिक्स करके वो वही पाइप में डाला गया। पहले उसमें 1 MLD पानी मिलता था, 10 लाख लीटर पानी मिलता था, अब कम से कम 30 लाख से 30.5 लाख लीटर 24 आवर में मिलेगा। अच्छा, तो वही एरिया में, जिस एरिया में पहले जाता था, वही एरिया में पहले झोपड़ा था, जो 3 माले का घर हो चुका है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक पानी पहुंचेगा। फिर भी एक ज्योग्राफिकली देखिए तो कौन सा एरिया इसके अंदर आता है, सबसे पहले
हमारा हलीम भाई का वार्ड है, इसमें अपना मदनी चौक, ताजू सरिया चौक, शिव मंदिर रोड, अत्ता गरीब नवाज, गौसिया मस्जिद, न्यू आजाद नगर, संजय नगर, नगर का पूरा स्लम है वहाँ पे, पूरा डोंगर जो है ना डोंगर पर है। अरे भी 2 ml पानी जो है ना डोंगर के लिए किया, और ये सिस्टमैटिकली जो है ना हम लोग बढ़ा रहे पानी को। ये एक तरीका है धीरे 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 प्रेशर को बढ़ाना, और सिर्फ पानी नहीं, जो छोटी छोटी सुविधा भी, 2 टॉयलेट का फंड में आने वाले हफ्ते में या बड़ा प्रोग्राम लेके 2 टॉयलेट का फंड हम लोग देंगे इंशाल्लाह। रईस भाई, जब आप यहाँ पे गुजरे तो आपकी स्वागत भी किया गया और कई लोगों ने यहाँ की प्रॉब्लम से बताई, उस पे जरा बताइए। शिकायतें बोलते प्रॉब्लम देखो, डोंगर है, टॉयलेट नहीं है, रास्ते नहीं है, चाली नहीं बनी है, उससे ज्यादा बड़ी बात है कि अब यहाँ पे शिक्षा का आपको सुविधा करना पड़ेगा। बच्चे इतने हैं, स्कूल यहाँ पे 8वीं जमात के आगे नहीं है, तो मैंने ये कहा है कि शिक्षा सभा में लूंगा, सिर्फ शिक्षा पे बात होगी। मैं तीनों मेरे भाइयों को, नासिर भाई को, जावेद भाई को, साजिद भाई को कह रहा हूँ कि एक शिक्षा सभा, सिर्फ चर्चा पढ़ाई की, ये हम एक कार्यक्रम यहाँ पे रखने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शिक्षा की सुविधा अच्छी हो। सच में क्या कहेंगे आपने इस पाइपलाइन को, इस पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए क्या क्या जिद्दोजहद किया, थोड़ा सा बताएंगे? पानी की लाइन का जब जो पुरानी लाइन थी 20-25 साल पुरानी जो लाइन थी, उसके बाद से आबादी जो है ना 3 गुना बढ़ गई, और वही पानी आज 25 साल से चल रहा था, 25 साल से पानी चल रहा था, वो पानी की वजह से पुराना पानी जो था उससे पब्लिक को पानी पुराना नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान थे हम लोग इतना परेशान थे क्या बताएं, किसके भी पास जाए तो हमारा मसला हल होता नहीं था। हम रईस भाई के पास गए, रईस भाई के पास 6 महीने से हम लोग दौड़ रहे, लेकिन रईस भाई ने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, और उनकी मेहनत से और हमारे नासिर, जावेद और मैं तीनों नगर से हमने डेली 2-3 दिन जब भी आते थे मुंबई से, तो हमने पानी की समस्या रखी थी उनको, हमारा पानी बढ़वा दो यहाँ से जी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज उन्होंने पानी बढ़वाया हम लोग का, और पूरे इलाके शांति नगर से लेके गायत्री नगर और न्यू आजाद नगर अहमदपुर पूरा पानी का मसला यहाँ का इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो अब पानी को लेके, पानी के बाद में और क्या क्या कुछ आप लोगों करने वाले, कुछ है और आगे की प्लानिंग तो बहुत सी है। अभी वार्ड में आज 18 महीना 22 महीना हो गए काउंसिल बर्खास्त हुए, वार्ड के अंदर तो काम काज तो लगा ही रहे, कटर है, रास्ता है, ये सब काम बाकी है अभी, इंशाल्लाह हम रईस भाई को उससे फंड लेके और काम कराएंगे।